नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से जल्द मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण द्वारा अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय मांगे जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक ने जवाब में जल्द मिलने की बात कही है। दोनों नेताओं की तरफ से सोमवार सुबह केजरीवाल को एक SMS भेजा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बेंगलुरु से लौटने के कुछ घंटों के बाद दोनों विरोधी गुटों के बीच सुलह के एक और प्रयास के तहत केजरीवाल गुट के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, कुमार विश्वास, आशुतोष और आशीष खेतान ने सोमवार देर रात यादव से मुलाकात की और कई विवादित मुद्दों पर बातचीत की। दोनों गुटों ने विचार विमर्श को सकारात्मक बताया है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, पिछले कुछ दिनों में पार्टी में होने वाले घटनाक्रम से हम लोग परेशान थे। हम लोगों ने योगेंद्र भाई से बातचीत शुरू की और शुरुआत अच्छी रही। क्या वेटिकन में बन सकता है हनुमान मंदिर? विहिप नेता सुरेंद्र जैन ने पूछा। विश्व हिंदू परिषद ने हिसार में चर्च पर हमले का बचाव करते हुए सवाल किया कि क्या ईसाई समुदाय वेटिकन सिटी में हनुमान मंदिर बनाने की अनुमति देगा। विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि उस गांव में और आसपास कोई ईसाई नहीं रह रहा था, तो वहां पर चर्च क्यों बनाया जा रहा था? अगर ईसाई हमें वेटिकन में हनुमान मंदिर बनाने देते हैं तो हम उन्हें भारत में कहीं भी चर्च बनाने के लिए जगह दे देंगे, हम इसके लिए पैसे भी देंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बुजुर्ग नन से गैंगरेप के मामले पर सवाल उठाया और कहा कि यह चर्च की साजिश है। उन्होंने कहा कि ननों का यौन शोषण करना ईसाई कल्चर है, न कि हिंदुओं का। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जाट आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटे में शामिल करने के लिए पिछली UPA सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को मंगलवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति गोगोई और न्यायमूर्ति RF नरीमन की पीठ ने कहा कि हम केंद्र की OBC की सूची में जाटों को शामिल करने की अधिसूचना निरस्त करते हैं। पीठ ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उस निष्कर्ष की अनदेखी करने के केंद्र के फैसले में खामी पाई, जिसमें कहा गया था कि जाट केंद्र की OBC सूची में शामिल होने के हकदार नहीं है क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। चुनाव जीतने के बाद महिला उप सरपंच को गोबर खिलाया। मध्य प्रदेश के एक गांव में उप सरपंच का चुनाव जीतना एक दलित महिला के लिए मुसीबत बन गया। शिवपुरी जिले के कुंवरपुर गांव में एक ऐसी ही घटना घटित हुई है। यहां की एक दलित महिला जब उप सरपंच के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गई तो दबंगों ने पहले तो दोबारा चुनाव कराने की बात कहकर बवाल खड़ा किया और फिर चुनाव संभव नहीं हुआ तो महिला के मुंह में गोबर भर दिया। हालांकि पुलिस इस घटना को पूरी तरह से नकार रही है। पुलिस का मानना है कि दोनों पक्षों में मारपीट जरूर हुई है, लेकिन गोबर खिलाने की बात गलत है। पश्चिम बंगाल में पड़ोसियों ने किया महिला से गैंगरेप। कोलकाता में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना में 27 साल की एक महिला से उसके चार पड़ोसियों ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों ने महिला को धमकी भी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वे सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें अपलोड कर देंगे। महिला ने सोमवार को अपने भाई के साथ आकर विधान नगर पुलिस आयुक्तालय के तहत लेक टाउन पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।